फ्रेंड्स अब बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, प्रिंसिपल ऑफ एनडीपीजी महाविद्यालय गोनेरोड जयपुर। मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है। मैं इस महाविद्यालय के अंदर 2004 से कार्यरत हूँ। पॉलिटिकल साइंस विषय में जैसा कि आपको मालूम ही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार इस बार हमारा सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारा सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या हमारे अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी स्टडी पे शुरू से ही ध्यान देना होगा। तो सब फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले बात करेंगे हमारे सिलेबस की। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में हमारा फर्स्ट पेपर जो आता है वो है हमारा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। ये मूल आधार क्या होते हैं, जो हमारा बेस होता है। हम सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंतर्गत जिसका अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारे बेस, यानी राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा बेस रहा है, जो आधार रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे कई पार्टों में डिवीजन है। जहां हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो तीन खंडों में विभाजित है, फर्स्ट खंड, सेकेंड खंड, देन थर्ड खंड। फर्स्ट जो खंड है हमारा, इसमें हम निम्न टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जैसे राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत आधार। सेकेंड हम लेंगे इसका आधुनिक आधार। देन उसके बाद हमारी इसी के अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माने जाते हैं, जैसे शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्यपूर्णता। इन चारों के माध्यम से हमारी पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है। जब हमारे पास पावर होती है यानी शक्ति होती है तो हम वैधता को प्राप्त करते हैं, और जब हमारे पास सत्ता आ जाती है और उसका हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वह एक वैध रूप प्रारंभ कर लेती है। तो हमारे फर्स्ट खंड के अंतर्गत ही हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे, जिसमें हमारा परंपरागत आधार, आधुनिक आधार, व्यवहारवाद देन उत्तर व्यवहारवाद। इस व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत हम हमारे परंपरागत जो सिद्धांत है उसमें जो नई टेक्नोलॉजियों का हमने प्रयोग किया है उसका अध्ययन किया जाता है। साथ में उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत आधुनिक जो टेक्नोलॉजी हम अपने आज के विज्ञान के रूप में अपना रहे हैं उसे किस प्रकार से हमने बनाया है और प्रयोग में लाया है, जिसका अध्ययन हम हमारे फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत करेंगे, जो है हमारे राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार। इसी के सेकेंड खंड के अंदर हमारा जो ये तीन खंडों में डिवीजन है, फर्स्ट खंड में हम किन किन का अध्ययन करेंगे, परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति, सत्ता, वैधता और औचित्यपूर्णता। देन हमारा जहाँ सेकंड भाग आता है, उस सेकंड भाग के अंतर्गत हमारे सिलेबस के अंतर्गत हमारे जनरली वही टॉपिक्स हैं जो कि हमने ट्वेल्थ में किए हुए भी हैं, जैसे हमारा लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, साथ ही हमारे सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका देन न्यायपालिका। साथ ही इसके अंतर्गत हमारी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो हमारा जो सेकंड खंड है उसके अंदर हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, हमारे लोकतंत्र का, अधिनायक तंत्र का, हमारी जो शासन की व्यवस्था है यानी हमारी सरकार के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन सबका अध्ययन हम हमारे सेकंड खंड के अंतर्गत करेंगे। साथ ही राजनीतिक दल और दबाव समूह, जो कि मेन पार्ट माने जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए।
फ्रेंड्स, जहां हमारी इन टॉपिकों की बात की, जो हमारे दो खंडों पे तो हमने डिवीजन की बात कर ली है। राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार में हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हमारी यह व्यवस्था तीन खंडों में विभाजित है, जहां फर्स्ट खंड हमारा मूल आधार को देता है, वही हमारा दूसरा खंड हमारी व्यवस्था को इंगित करता है। देन थर्ड खंड जब हमारा शुरू होता है, तो उसमें हमारी पूरी व्यवस्था कैसे एस्टेब्लिश हुई और आगे बढ़ी, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे इसके अंतर्गत लोकतंत्रवाद, हमारा अराजकतावाद, जो कि हमारे अधिनायक तंत्र का ही एक आधार माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जहाँ थर्ड खंड आता है, उसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वह है उदारवाद का, समाजवाद का, अराजकतावाद का, मार्क्सवाद का, और जो कि हमारे अभी कुछ ही समय में हमारे सिलेबस के अंदर जुड़ा है, वो है नारीवाद। इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे हमारे थर्ड खंड के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके की हमारा फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार, जो कि तीन भागों के अंदर डिवाइड है, जिसके फर्स्ट भाग के अंतर्गत हम इन सारे टॉपिकों का, जिसमें हम परंपरागत आधार, आधुनिक आधार, हमारी शक्ति, सत्ता, वैधता, औचित्य पूर्णता, इन सारों के मेल के साथ पूरी व्यवस्था को इंगित करेंगे। उसी तरीके से हम सेकंड खंड के अंतर्गत हमारी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, हमारा सरकार के तीनों अंग किस प्रकार से कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनकी सबकी डिटेल हम हमारे आगे आने वाले टॉपिकों के अंदर करते चलेंगे। थर्ड खंड जहाँ हमारा आता है, वहाँ हमारे इन व्यवस्थाओं को कैसे हमारी व्यवस्था में लागू किया गया, उन सबका अध्ययन किया जाता है, जैसे उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, साथ में मार्क्सवाद। हमारी जो क्लास है उसके अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है एग्जाम के बेस पर, वो हमारा मार्क्सवाद और नारीवाद माना जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं दो विचारधाराओं पर करेंगे। ये ऐसी विचारधाराएं हैं जिसके माध्यम से हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसका मूल आधार हमें प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पेपर का ये छोटा सा सिलेबस रहेगा, जिसके माध्यम से हम पूरा अध्ययन करेंगे अपने आगे नेक्स्ट की टॉपिकों के माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पेपर की, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जहाँ हमारा सेकंड पेपर है, वो हमारा कहलाता है पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी राजनीतिक विचारक। जहाँ हमारा सेकंड पेपर की बात हुई, वो क्या रहा? राजनीतिक विचार। अभी तक हमने किसकी बात की थी? राजनीतिक व्यवस्था की। अब हम किसकी बात करेंगे? उन विचारकों की जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाने में हमारे को सहयोग प्रदान किया है। इसके भी हमारी तीन ही खंड है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, देन थर्ड खंड। फर्स्ट खंड के अंतर्गत हमारे तीन विचारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला मन, सेकंड कौटिल्य, और थर्ड शुक। ये तीनों ही विचारक हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? परंपरागत विचारक, यानी वे विचारक जिन्होंने हमारी व्यवस्था की शुरुआत की है। हमारी व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इसका आधार आया, कैसे हमारा जो बेस मूल आधार बना फर्स्ट पेपर का, उसको प्रदान करने वाले सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति मनु ही माने जाते हैं, जिनका अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सेकेंड खंड जहाँ आता है, वहाँ हमारा ज़्यादातर तो अपने ट्वेल्थ का ही सिलेबस इसके अंतर्गत आता है। फिर भी जो टॉपिक्स है मैं वो आपको बता देती हूँ, अपन किन किन का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय, ये आपने ट्वेल्थ में पढ़े ही होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, साथ ही बाल गंगाधर तिलक,
हमारी दयानंद सरस्वती, देन विवेकानंद, ये सारे ही विचारक हमारी किस कैटेगरी में आते हैं? मध्ययुगीन विचारक की, यानी उस समय के विचारक जब हमारी व्यवस्था के अंदर अंग्रेजों का शासन था। हमारे सेकंड खंड के विचारक जिसमें हम राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद को लेते हैं। ये वे विचारक माने जाते हैं जो कि हमारे मध्ययुगीन विचारकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जब हमारे इस देश पर अंग्रेजों ने राज्य कर लिया था, उस समय पर इन विचारकों ने भारत में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुधार की बात की थी। इस सुधार की शुरुआत तो हमारी शुक्र नीति के माध्यम से ही हो गई थी। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत जहां हमारे फर्स्ट खंड में मनु कौटिल्य दयानंद शुक्ल हमारे परंपरागत विचारक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने अपनी व्यवस्था का जो मूल आधार बताया वह था दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के माध्यम से। इसी तरीके से हमारा जहां सेकंड खंड स्टार्ट होता है वहां में इन विचारकों के माध्यम से हमारे देश में जब अंग्रेजों ने शासन कर लिया था तो उसमें हम कैसे सुधार करें, कैसे अपने बात को अंग्रेजों से मनवाएं, यानी उसकी भी कुछ बेस रहे थे जिसमें उनके राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार और शिक्षात्मक विचार माने जाते हैं, जिसका अध्ययन हम अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। देन जहां हम बात करते हैं हमारे थर्ड खंड की, इस थर्ड खंड के अंतर्गत हमारे व्यवस्था के अंतर्गत वे विचारक आते हैं जिन्हें हम आधुनिक विचारकों के रूप में जानते हैं, जैसे हमारे गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर, देन M.N. रॉय, जिनका की पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय माना जाता है, जय प्रकाश नारायण एंड इस बार हमारे सिलेबस में नया विचारक और जुड़ गया है, दीनदयाल उपाध्याय। तो जाहिर सी बात है जब हमारे सिलेबस में कुछ नया जुड़ा है तो अंडरस्टूड है कि उसमें एग्जाम के अंदर उसे कवर किया ही जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनेगा ही। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपने सेकंड पेपर का जो सिलेबस है जिसे हम राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से जानते हैं, यह हमारा तीन खंडों में डिवीजन में है, जहाँ जिसका फर्स्ट खंड हमारा मनु कौटिल्य दयानंद शुक्ल जो कि परंपरागत विचारकों को इंगित करता है, सेकंड खंड जिसके अंतर्गत हम मध्ययुगीन विचारकों के नाम से इन्हें जानते हैं जिसमें हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तिलक, गोखले, टी विवेकानंद आदि को लिया जाता है। इसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, तब हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट पेपर में अपने राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार को देखा है, तो उसी के बेस पर हमारी व्यवस्था में जब हमने स्वयं अंग्रेजों से की गुलामी से आजादी प्राप्त की, तब हमने हमारी व्यवस्था के अंतर्गत इन व्यवस्थापकों के माध्यम से, यानी गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, M.N. रॉय जी, जयप्रकाश नारायण जी और दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से अपनी पूरी व्यवस्था को इंगित करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत ये दो पेपर आते हैं जिसका अध्ययन हम हमारे आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने इसमें सेकंड पेपर की, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है सेकंड पेपर के अंतर्गत वे विचारक हैं जिन्होंने व्यवस्था को बनाया है और हमारी व्यवस्था को पहले व्यवस्था आई है और बाद में उसके आगे की प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हुई है। तो राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सबसे पहले उस विचारक को जानें जिसने उस व्यवस्था को इंगित किया है।
इसलिए फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपने इसी टॉपिक को लेंगे, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का हमारा सेकेंड पेपर है, जिसमें हम मनु को इंकित करेंगे। थैंक यू सो मच।